इनकी गाड़ी सुनसान जगह पर बंद हो जाती है। ये लोग गाड़ी में से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी आदमी के ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देता है। लड़की ये देखकर डर जाती है और अपना सामान लेकर यहाँ से भाग जाती है। अब यह महिला मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन उसे मदद नहीं मिल सकती। अब यह महिला पैदल चलकर आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। ये अपना सारा सामान लेकर इस सुनसान जगह में आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे हवाई जहाज जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो इस महिला को नहीं देख पाते हैं। ये महिला चलना शुरू करती है। थोड़ी देर में यहाँ पर रात हो जाती है। ये महिला आग जलाकर बैठी है, तभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। ये महिला उसे छुटकर एक चट्टान पर चढ़ जाती है। ज़ॉम्बी स्लो होते हैं, जिससे वो चट्टान पर नहीं चढ़ सकते। ये महिला इस चट्टान पर रात बिता देती है। सुबह उठकर ये देखती है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी चट्टान के पास खड़ा है। ये महिला जल्दी से अपना बैग उठाकर आगे चलने लगती है। यह महिला आगे चलती जाती है और ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है। अब इस महिला के पास से खाना और पानी खत्म हो चुका है और गर्मी में चल चलकर यह बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, लेकिन यह महिला रुक नहीं सकती है, क्योंकि अगर यह रुकी तो वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देगा। आगे जाकर यहाँ पर एक तूफान आता है, जिससे यह महिला बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब यह महिला होश में आती है, तभी उसे रोड के ऊपर एक गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करो।